देश भर की शिक्षा मंत्रियों की सम्मेलन गुजरात में होस्ट किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होते 2 साल हो गया है, जुलाई 29 को उसकी 2 साल पूरा हो जाएगा। पिछले 2 साल में राज्यों ने उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया, क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाया गया, देश की प्रायोरिटी क्या रही है, जो 2-3 मूल फीचर एनईपी की रिकमेंडेशन रहा, लोकल लैंग्वेज, मदर टंग, टेक्नोलॉजी को उपयोग करना, नई कोहोट में 5-3-3-4 कोहोट में उसको अलाइन करना, टीचर्स कैपेसिटी बिल्डिंग की नई इनिशिएटिव लेना, ये सारा विषयों पे एक मध्यावधि एक्सपीरियंस एक्सचेंज हो, इसीलिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। कल हमने 4 प्रकल्प को देखा, विद्या समीक्षा केंद्र, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर एक बच्चे की जानकारी रखना, उसकी उपस्थिति से लेकर उसके लर्निंग आउटकम को मॉनिटरिंग करने की इनिशिएटिव, वाइशाक जैसे संस्था की प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में रोल, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में 21वीं सदी में ज्ञान की नई परिभाषा और स्किल डेवलपमेंट सेंटर की आधुनिक केंद्र, ऐसे सारे प्रकल्पों का भी सारे मंत्रियों ने, सारे राज्यों के अधिकारियों ने विजिट किया। ऐसे डायलॉग को आने वाले दिनों में भी हम लोग जारी रखेंगे। आज कस्तूरी रंगन जी, जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाए हैं, माननीय प्रधानमंत्री की अपेक्षा को पूरा किया है, उनकी भी आज उद्बोधन रहेगा। इसी प्रकार की कामों को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार 200 टीवी चैनल्स नया बनाने वाला है, पीएम श्री स्कूल जैसे इनिशिएटिव की कल्पना की गई है, नया नया एक्सपेरिमेंट शिक्षा को लोकाभिमुखी करने के लिए, नीचे तक ले जाने के लिए किया जा रहा है।